आपको बड़ी खबर बताएं, जहां दिन दहाड़े युवक को गोली मारी गई। युवक को मारी गई 3 गोलियां, घायल कुंदन राम पट्टा रेफर किया गया है। गिद्धौड़ थाना के कोरहुआ गांव की घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो युवक को 3 गोलियां मारी गई, जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल कुंदन राम पट्टा रेफर किया गया है, फिलहाल वो इलाजरत है और आगे इलाज चल रहा है। गिद्धौड़ के कोरहुआ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गोपालगंज में बेटी को ससुराल पहुंचाने गए ससुर की दामाद ने हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंची बेटी और साले को जख्मी कर दिया। घटना माझा थाना क्षेत्र के भैसही गांव की है। माझा के भैसही कोरड़ गांव के परमा यादव के बेटी की शादी कोइनी गांव के राम प्रवेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद पत्नी 6 महीने से मायके में रह रही थी। शनिवार को परमा यादव अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, जहां उनकी पिटाई कर दी गई। इलाज के दौरान ससुर की मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे थाने लाकर पूछताछ लगातार जारी है। और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। राजू और आयुष की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ये दोनों बच्चे डूबे हैं। दोनों बच्चे के शव को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। वीरपुर के कोटवा गांव की ये घटना है। कोटवा गांव के रहने वाले ये दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। वीरपुर पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। और अगली खबर आपको बाढ़ से बताएं, जहां सन की दामाद ने पत्नी और साली को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। घटना पंडारक थाना क्षेत्र के बिहारी बिघा गांव की है और इस गोलीबारी में दामाद दीपक और पत्नी की बड़ी बहन की मौत हो गई है, जबकि पत्नी लक्ष्मी देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक दीपक की डेड बॉडी के पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद किया। घरेलू विवाद में हत्या की वारदात सामने आई। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। अगली खबर रोहतास जिले से आपको बताएं, जहां विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में बड़ी घटना घटी है। हाजत से कैदी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि तूफानी पासवान नामक कैदी थाने के हाजत से फरार हो गया। शराब पीकर हंगामा और पुलिस पर हमले के आरोप में कैदी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। रात में जब ऑन ड्यूटी पर तैनात दारोगा शौच के लिए गए, तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए कैदी फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाने में हड़कंप मच गया। और अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहने वाली बेगूसराय की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पूरा मामला बलिया थाना क्षेत्र का है, जहां थाने में कार्यरत एसआई विनीत कुमार पर गोविंद कुमार नामक युवक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में बाढ़ आने की वजह से स्कॉर्पियो गाड़ी को पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद गाड़ी में रखे 1,70,000 रुपए को जबरन एसआई ने 2 दलालों के जरिए निकाल लिया और पैसे मांगने पर धमकी देने के साथ झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीड़ित ने वरीय पदाधिकारी से केस दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। और बड़ी खबर मधुबनी से आपको बताएं, जहां महादलित लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 5 युवक पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मामला मधेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़की मेला लेकर घर लौट रही थी और तभी बीच रास्ते में 5 युवक ने उसे उठा लिया। लड़की को सुनसान जगह ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मेला लगता है जिसमें लड़की घूमने गई थी अपने साथियों के साथ। उसमें कुछ लड़के उसका पीछा वहाँ से कर रहे थे। उसके बाद एक सुनसान जगह पर कुछ दूरी जाने पर पीछा करने के बाद वो 3-4 लड़के मिलकर उसको पकड़ लिया और पकड़कर एक बगीचा या जंगली इलाके में कहीं ले गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। हल्की सूचना के बाद FSL की टीम को बुलवाया गया था थाना के द्वारा और अभियुक्त की भी पहचान हुई थी और अभियुक्त भी उस लड़की। और छपरा में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके बाद बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे पर बालू परिवहन की जांच करने पहुंचे एडिशनल SP राजकिशोर सिंह को देखते ही देखते कई धंधेबाज ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए।
हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने फर्जी चालान दिखाकर पुलिस को बरगलाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सारण के एडिशनल एसपी ने कहा कि बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। गंगा के किनारे वाले इलाकों में ये छापेमारी लगातार जारी रही। वही मुंगेर के वासुदेवपुर में गोलीबारी कांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने अपराधी ऋतिक उर्फ पांडव यादव को खड़गपुर ब्लॉक में उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल देसी कट्टा एक कारतूस बरामद किए। 28 अगस्त को बाइक पर सवार दो अपराधियों ने वासुदेवपुर में हवाई फायरिंग की और इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने कहा कि ऋतिक उर्फ पांडव यादव के रिश्ते की बहन पिछले दिनों से अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसका प्रेमी वासुदेवपुर मोहल्ले में ही किराए के मकान में रह रहा था। इस घटना से ऋतिक आक्रोशित था और प्रेमी पर दबाव बनाकर बहन को वापस घर भेजने के लिए उसने वासुदेवपुर के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। गुमला में भी हाथियों का आतंक देखने को मिला। डुमरी थाना क्षेत्र के खेतली पंचायत अंतर्गत सिरमी गांव में देर रात दो जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, दो घरों को ध्वस्त कर दिया, फसलों को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया, जिससे ग्रामीणों का लाखों का नुकसान हो चुका है। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कहीं कोई पहल नहीं की गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 35 हाथियों के झुंड ने रमकंडा के बलीगढ़, गोबरदहा और कुडूरबू में हमला बोल दिया है। हाथियों के हमले से एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। इन जंगली हाथियों ने 5 घरों को इस दौरान ध्वस्त कर दिया और 50 एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। और मुंबई हनी ट्रैप मामले में झारखंड कनेक्शन जमशेदपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। बाबू पिल्ले और अभिषेक को किया गया गिरफ्तार। मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। मुंबई के कारोबारी मेहुल शाह को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली की गई थी। वहीं बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा से आ रही है, जहां महिला के शव को जंगल से बरामद किया गया है। पत्थर से कूचकर निर्मम तरीके से महिला की हत्या की गई है। 3 दिन से ये महिला लापता बताई जा रही है। रंका पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मामले की जांच में फिलहाल रंका पुलिस जुट गई है। अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां महिला नेत्री की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लाठी डंडे से लैस महिला नेत्री अपने 10 से 12 महिला कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, फिर जमीन में चल रहे काम को रुकवाकर जमीन की बाउंड्री को जबरन तोड़ दिया। जाते जाते जमीन मालिक को 10 लाख रुपए की रंगदारी और जितेंद्र कुमार सिंह से मिलने को भी कहा। जमीन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा की है। कल से सफाई कर्मी हड़ताल करेंगे। सेवा नियमित और मानदेय में 30% इजाफे की मांग की जा रही है। हड़ताल से शहर की साफ सफाई बेपटरी हो सकती है। चाईबासा में कुल्हान जंगल में एक बार फिर से आईडी बम बरामद किया गया। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान चिड़ियाबेड़ा और सरजो बुरू में जंगली पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के नीचे से आईडी बम बरामद किए गए हैं, जिसे बरामद कर जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार कोल्हान के जंगलों में आईडी बम बरामद किए जा रहे हैं। नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर सुरक्षा बल पानी फेर देते हैं। बड़ी खबर धनबाद से, महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया है। सनसनी फैल गई जैसे ही ये खबर सामने आई। कटा हुआ सिर महिला का बरामद किया गया। घटना भूली ओपी इलाके की है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पाडर पाला दास टोला में तालाब में तैरता हुआ महिला का कटा हुआ सिर देखा था, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कटा हुआ सिर कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी है। स्थानीय लोग इसे जादू टोना से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। झारखंड के अलकायदा मॉड्यूल कनेक्शन से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर, संदिग्ध आरोपी डॉक्टर इश्तियाक के नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। इश्तियाक ने अपना नेटवर्क कहां तक फैला रखा था और युवाओं को अलकायदा मॉड्यूल से कैसे ये जोड़ता था, इसकी जांच इस वक्त की जा रही है। सबसे अहम बात ये कि इस बार पकड़े गए संदिग्धों के तार पुराने आतंकी मामलों से तो जुड़े नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। दरअसल इससे पहले भी कई बार आतंकियों के तार झारखंड से जुड़ चुके हैं। 2015 में आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को भी गिरफ्तार किया गया था,
जिसका चान्हू के कई लोगों ने संपर्क में था और उस पर रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर, गिरिडीह में कैंप लगाकर युवाओं का ब्रेन वॉश और भड़काऊ भाषण का आरोप भी लगा था। वहीं डॉक्टर इश्तियाक भी चान्हू से ही जुड़ा था। इसके साथ ही 2019 में भी झारखंड के अलकायदा कनेक्शन का मामला सामने आया और जमशेदपुर अलकायदा से जुड़े मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिर को झारखंड एटीएस ने पकड़ा था। इसका कनेक्शन मोहम्मद रहमान अली खान उर्फ हैदर उर्फ मसूद उर्फ कटकी जिशान हैदर और अब्दुल सामी उर्फ उज्जैर उर्फ हसन से था। डॉक्टर इश्तियाक भी मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है और ऐसे में अगर डॉक्टर इश्तियाक के तार कटकी या पुराने आतंकियों से जुड़ते हैं तो झारखंड एटीएस डॉक्टर इश्तियाक समेत गिरफ्तार 5 लोगों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जो हमारे पास एटीएस में भी जो पूर्व में अनुसंधान अंतर्गत इस मॉड्यूल के विरुद्ध जो भी कांड दर्ज हैं इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो संदेही थे उनको भी हमारे कांडों से अगर कोई उनका लिंक होता है या हमारे कांड में अगर उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता थी तो उनको हम रिमांड करेंगे, उनको हम अरेस्ट करेंगे या उनको अगर उस पर जो भी भविष्य में कार्रवाई करनी हो करेंगे। तो इसको हम लोग अपने भी जो कांड हैं जो एटीएस में या राज्य के जिलों पुलिस में अगर कहीं कांड दर्ज हैं उसमें अगर कोई कांड अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो जितने भी गिरफ्तारियां हुई है उस लेंस से भी देखा जाएगा और उसमें उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। गिरिडीह के एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर है। गिरिडीह के हीरो डीड थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज कुमार उत्पाद सिपाही के दौड़ में शामिल होने हजारीबाग के पदमा गए जहां दौड़ के दौरान ही गिरकर उसकी मौत हो गई। सूरज कुमार का शव गांव पहुंचते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल है। खबर आया कि ऐसा ऐसा हो गया, बेहोश के मतलब बेहोश की हालत में है तो गार्जियन सर सभी इनके जो थे उनको पहुंचाया गया तो वहां पता चलता है कि इसके देहांत हो गई है। तो जो ये काम हुआ वो बिल्कुल दयनीय स्थिति का है। ये इसका आप पैसे से नहीं मतलब भरपाई कर सकते हैं क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो बहुत मजदूरी करके उसको छोटा से बड़ा किया पढ़ाई। वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमर बावरी ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने जान को दांव पर लगाने तक को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार की संवेदना मर चुकी है। जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही के दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादो के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के आरोप कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और युवाओं ने दौड़ में अगर उन्हें अपनी जान किसी भी स्थिति में परिस्थिति में गंवानी पड़ी दौड़ के कारण तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है बल्कि यह गंभीरता का विषय है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, राजनीतिक दल तो है लेकिन गंभीर राजनीतिक दल वो नहीं है। उन्हें हर मामले में विपक्ष का सिर्फ खामियां समझ में आता है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मृतक अजय कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात की। आदित्य साहू ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। आखिर क्या कसूर था सरकार को बताना चाहिए। आज जू कहां से कहां चला गया, 10 किलोमीटर बच्चों को दौड़ा करके उसका हत्या करने का काम कर रहे हैं, जान लेने का काम कर रहे हैं, गरीब को मराने का काम कर रहे हैं। ये संवेदनहीन सरकार है, जनता से इसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ठग करके जनता को धोखा में डाल करके वोट बटोरने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा झारखंड के जिनकी सरकार ने हत्या करने का काम किया है उस सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस मृतक परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दे।
और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर श्याम रजक की आज घर वापसी हो गई है। आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सदस्यता ग्रहण की जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रदेश कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, सुनील कुमार, रत्नेश सदा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि हाल के दिनों में उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था और उसी समय ये चर्चा हुई कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। श्याम रजक ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पत्र के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इस्तीफा सौंपा। पत्र में लिखा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा, जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात, जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है, हमें मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का, तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल यू की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। श्याम जी पार्टी के पुराने आदमी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी ने आज ना बात होती है सब कैटेगराइजेशन की, ये ओरिजिनल आइडिया नीतीश कुमार जी का रहा। ये पूरे देश में पहली बार महादलित क्या होता है, ये बिहार में उन्होंने करके दिखाया, उनको बीच में काम करके दिखाया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है, पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं आज। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की पार्टी से विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है, जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। केसी त्यागी ने कई मौकों पर पार्टी नेताओं से परामर्श किए बिना ही बयान दिया, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके बयानों के कारण एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। केसी त्यागी के बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी, ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर बयान इस्तीफे की बड़ी वजह बनी है। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दी थी। केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका जिनके पास समय की कमी है, इसलिए उन्हें इस पद पर। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने के बाद राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि निजी और व्यक्तिगत कारणों की वजह से केसी त्यागी ने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। राजीव रंजन प्रसाद ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का आभार व्यक्त किया। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है, तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।